Hello dear learner, good afternoon and most welcome at Fill Up Home. I hope everybody is very well. As you all know, I'm taking English grammar class at Fill Up Home and we have completed many topic in English grammar. So jin bachon ne meri last ki classes nahi dekhi hain ya aur jo maine topic karwaye hain wo nahi dekhe hain to wo sabhi dekh lein. Fill Up Home par sabhi classes mil jayengi. Ye hamara Fill Up Home platform hai. Yahan par aapko sabhi information milti hai chahe wo aapki kisi vacancy se related ho ya koi जॉब से रिलेटेड हो, जो भी है तो सभी Fill Up Home ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहे. ये हमारा टाइम टेबल है जो KVS, NVS, CSB फॉर ऑल TAT सभी के लिए इम्पोर्टेंट है. जो हमारी क्लासेज 8 AM से स्टार्ट होती हैं और 10 PM तक कंटिन्यू चलती रहती हैं. तो बच्चों जो भी किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं. और जैसा कि अभी तो HTET का फॉर्म निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं बस अभी, तो HTET के लिए भी सभी तैयार हो जाएं. और ये सारी क्लासेज हमारी HTET वालों के लिए भी यूज़फुल हैं. ये CTET बैच के लिए, जैसा कि सभी को पता है CTET बैच टाइम टेबल क्या है हमारा, 9 AM से लेके 10 PM तक आपको सभी क्लासेस एज इट इज़ मिलती हैं. तो बच्चों सभी इन क्लासेस का फ़ायदा उठाइएगा और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइएगा. क्लास की स्टार्टिंग हम एक थॉट के साथ करते हैं. सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा. तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा. अगर आपने सोच रखा है कि आपको क्या करना है तो वो सब आपको ही पूरा करना होगा. किसी और पे डिपेंड मत रहिएगा. सबसे पहले आपको अपने आप से लड़ना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा उसके लिए कि मुझे क्या करना है. और जो सोचा है वो डेफिनेटली पूरा होगा. सो बिफोर स्टार्ट द क्लास मेक मी कन्फर्म ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग ओके. गुड आफ्टरनून सोनाली जी. और आपको एक ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे. आपको CTET की तैयारी करनी है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ये राइट कर दें इसमें एक बार. इसको क्लिक कर दें कि आप CTET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, KVS के लिए कर रहे हो, NET के लिए कर रहे हो या PGT TGT जो भी TAT हैं आपके उनके लिए कर रहे हो. ठीक है, आपको ये वोट करना है. ये सोनाली जी साउंड इज ओके. ओके, तो हमने एक्टिव वॉइस कर लिया है. लास्ट टॉपिक हमारा एक्टिव वॉइस था. जिन बच्चों ने मेरी एक्टिव वॉइस की क्लास नहीं देखी है वो सभी क्लासेस देख लें. आपको स्टार्टिंग से जो डीपली समझाया गया है वो भी है और लास्ट में जो हम एक टेस्ट लेते हैं वो भी है. ठीक है, जिसको लगता है कि मुझे एक्टिव वॉइस नहीं आते तो डेफिनेटली मेरी क्लास देखें और समझ ले. आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कंजक्शन. आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन. तो एक बार सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. देखो कंजक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर.
आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हों। गुड आफ्टरनून सुखबीर जी। एक बार चैट बॉक्स में कंजक्शन की डेफिनेशन राइट कर दें। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन एक वर्ड है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ता है सेंटेंस में। ओके, व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन इज अ वर्ड, राइट करेंगे। कंजक्शन क्या है? एक वर्ड है कंजक्शन क्या है आपका? एक वर्ड है और जो किसको जोड़ता है? वर्ड्स को, वर्ड से जोड़ता है। कंजक्शन इज अ वर्ड साथ में राइट करेंगे चैट बॉक्स में। हाँ, सिर्फ वर्ड्स को नहीं जोड़ता, साथ में किस किस को जोड़ता है? कंजक्शन एक वर्ड है, एक शब्द है। हाँ, ये किस किस को जोड़ता है? ये वर्ड्स को भी जोड़ता है, फ्रेजेस को भी जोड़ता है और क्लॉजेस को भी जोड़ता है। देखो, जैसे यहाँ पे है आपका वर्ड है जो किसको जोड़ने में काम आता है? वर्ड को वर्ड से, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को। ठीक है, अगर आपका इधर वर्ड है तो इधर भी आपका एक वर्ड मिलेगा। ये किस किस को जोड़ता है? वर्ड्स को, और क्लॉजेस को। अगर आपका इधर क्लॉज है तो आपका बीच में कंजक्शन आएगा, फिर आपका क्लॉज आएगा। देखो, हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। ठीक है, गुड आफ्टरनून ललिता जी। और अगर आपका इस साइड फ्रेज है तो फ्रेज से फ्रेज को जोड़ेगा। ये दोनों तरफ क्या होता है? बैलेंस बनाता है। सेम चीज़ें दोनों तरफ होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। कंजक्शन एक वर्ड है जो वर्ड से वर्ड्स को जोड़ता है, क्लोज से क्लोज को जोड़ता है, फ्रेजेस को, फ्रेजेस को जोड़ता है इन अ सेंटेंस। ठीक है, ओके, डोंट वरी। इज इट क्लियर? कंजक्शन क्या है? एक वर्ड है। देखो, हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि डेफिनेशन को पढ़ेंगे और फिर लर्न करेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको राइट करके बताया, एक वर्ड है जो वर्ड को वर्ड से, फ्रेज और क्लॉज, इन सब को क्या करता है? जॉइन करता है। किस में? एक सेंटेंस में। गुड आफ्टरनून नसीमा जी। सभी डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल डिटेल में करवाएंगे। डेफिनेशन हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, अभी देखो, कंजक्शन के थ्री टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। गुड आफ्टरनून विहाना, आद्विक, सभी लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोगों को कोई सजेशन देनी है तो वो भी दे सकते हैं। गुड आफ्टरनून गणेशवरी। आप इसी टाइप से अपनी नोटबुक में डायग्राम बना लें, टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। ये सभी हम डिटेल में करेंगे। देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फर्स्ट हम क्या करेंगे आज? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
कंजक्शन में आपके क्या क्या वर्ड हैं वो राइट करें। कंजक्शन में आपको क्या क्या मिलता है, एंड सो राइट करें सभी चैट बॉक्स में। बट इस टाइप से सभी कंजक्शन वर्ड जो हैं वो राइट करेंगे, एज वेल एज फिर आप ये सब डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे कि कौन सा कंजक्शन हमें कहाँ यूज करना है। एज वेल एज देखो कोई वन वर्ड का भी हो सकता है, थ्री वर्ड्स का भी हो सकता है, टू वर्ड्स का भी हो सकता है, ठीक है। बोथ एंड राइट करें सभी कंजक्शन वर्ड, राइट करें एक बार। आज हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डिटेल में करेंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। गुड आफ्टरनून टेक्नो स्टडी। हाँ एक बार आप लोग राइट करें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे 7 होते हैं जो आप शॉर्ट ट्रिक से लर्न करेंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7, जो आप फैन बॉय की ट्रिक से लर्न करेंगे। देखो एफ से आपका बन गया 4, एफ से आपका बन गया 4, ए से बन गया आपका एंड, ऐसे राइट करेंगे। एन से आपका बन गया नोर, बी से आपका बन गया बट, ऐसे याद रखेंगे फैन बॉयज इन सब के स्टार्टिंग का वर्ड का बना हुआ है। जैसे एफ ए एन क्या बन गया, फैन। फिर बी से आपका हो गया बट, ओ से आपका हो गया और, ऐसे राइट करेंगे सभी। वाई से येट, और एस से बन गया आपका सो। हाँ इनके कुछ फैक्ट्स भी हैं जो आपको लर्न करने होंगे कि कहाँ पे हमें कोमा यूज करना है, कहाँ कोमा यूज नहीं करना है। हैव यू रिटर्न, यस आप सब ऐसे राइट करें। कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे 7 होते हैं जिसकी मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता दी। फैन बॉयज में एफ से 4, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से
सो क्लियर। हाँ देखो यहाँ पे भी मैंने राइट किया हुआ है, 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये हमारे, फोर एंड नोर बट और यट सो। ओके अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। एक बार सभी राइट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आज हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन कंप्लीट करेंगे, सभी इसकी टाइप्स करेंगे, कहाँ पर हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करते हैं वो सब करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी कर लें बस। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, व्हेन वी वांट टू पुट इक्वल एम्फेसिस ऑन द वर्ड, जब दोनों तरफ इक्वल एम्फेसिस हो। हाँ सभी क्लास को लाइक कर दें, थैंक यू सोनाली जी, विहाना जी। देखो बिल्कुल आप लोगों को समझाने के लिए, ये मान लो आपका कंजक्शन हमने ऐड करना है, ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा दोनों तरफ, और बैलेंस भी क्या रहेगा आपका, सेम थिंग रहेगी जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया था। अच्छा एक बार बता दें, क्लास समझ में आ रही है? देखो हमें इक्वल बैलेंस करना है, अगर आपका इधर नाउन है तो हमारा इधर भी क्या होगा, नाउन। अगर आपके इधर कोई फ्रेज है तो इधर भी हमें क्या रखना है, फ्रेज। आपका इधर से जो सेंटेंस एरर है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंजक्शन में कई बार क्या होता है, एक तरफ फ्रेज दे देंगे एक तरफ नाउन दे देंगे और पूछेंगे आपसे कि ये सेंटेंस ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों का पता है कि ये फ्रेज है और ये नाउन है, ये फ्रेज है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मिस्टेक कहाँ पर है। सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें और सभी चैट बॉक्स में राइट करें कि आप केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस के लिए, सीटेट के लिए, पीजीटी, टीजीटी, जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग फिर आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। हाँ बोथ साइड सेम, यस ठीक है। बैलेंस कब बनेगा, जब हमारा दोनों तरफ सेम होगा। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है, दोनों तरफ सेम इक्वल एम्फेसाइज दिया जाता है, ठीक है। अगर हमारा एक साइड वर्ड्स है, इधर आपका वर्ड है तो इधर भी आपका वर्ड मिलेगा, अगर इधर आपका फ्रेज है, मैंने बताया भी, इधर फ्रेज मिलेगा, अगर क्लॉज है तो क्लॉज मिलेगा। फ्रेज और क्लॉज आप जानते हैं, तो डेफिनेशन राइट कर दें, व्हाट इज़ फ्रेज और व्हाट इज़ क्लॉज, ये चीज़ें फिर हम आफ्टर कंजक्शन डिटेल में करेंगे, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, ठीक है। हाँ ये राइट कर दें साथ के साथ। ओके विहाना आद्विक, एनवीएस और केवीएस, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है आपका, ये भी राइट करें। आप डेली क्लास ज्वाइन करिएगा, फिर आप लोगों के लिए कुछ खास आएगा। जितना आप लोग हमें बताओगे, इन्फॉर्मेशन दोगे कि ये सब्जेक्ट है, हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों को वो सभी चीज़ें मिलेंगी। तो डेली क्लास ज्वाइन करिएगा। एक बार ये बता दें, कोऑर्डिनेट कंजक्शन समझ में आ गया? देखो आपके लिए तराजू लगा रखी है, बिल्कुल इक्वल बैलेंस की है, और बीच में ये समझ लो कि हमने कंजक्शन लगा रखा है, ठीक है। ओके सोनाली जी, सी टेट की और नेट की, ओके। और एक बार ये भी बता दें कि जो मैं पढ़ाती हूँ मेरी क्लास कैसी लगती है आप लोगों को, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने का वे है, वो समझ में आता है सब या नहीं आता? बिल्कुल ऑनेस्टी से सच्चाई है वही बताएं।
ओके विहाना, अब देखें बिल्कुल डिटेल में समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए और भी एग्जांपल लेके आई हूँ, और आप लोगों को साउंड की कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैंने फैन भी बंद कर दिया है, इसलिए थोड़ी गर्मी तो हो रही है। ओके थैंक यू सोनाली जी। अब देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया है कि अगर आपको इस साइड नाउन मिलेगा तो इधर भी नाउन मिलेगा। अभी देखो एग्जांपल देखेंगे, ईगल्स एंड फैल्कनोज, ईगल्स एंड फैल्कन्स आर बर्ड्स। अब देखो ईगल्स और फैल्कन्स दोनों क्या हैं, नाउन हैं, ये नाउन है और ये नाउन है, और बीच में आपका एंड क्या आ गया, कंजक्शन, एंड क्या आ गया, देखें ईगल, ईगल क्या है आपका, नाउन जो मैंने अभी आपको बताया था वही है ना, और ये एंड आपका क्या हो गया, कंजक्शन। राइट करते जाएंगे साथ में कि साइड में क्या है, कंजक्शन है, नाउन है। ओके थैंक यू ललिता जी। देखो जैसे मैंने आप लोगों के लिए तराजू लगा रखी है बिल्कुल आप लोग ऐसे ही समझो, देखो ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, ठीक है, और इधर हमने फर्स्ट सेंटेंस में क्या है आपका, नाउन। राइट करते जाएंगे सभी कि कंजक्शन के पहले और बाद में, बिफोर और आफ्टर क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, इससे क्या है आपको पहचान भी हो जाएगी, ठीक है। ओके थैंक यू एवरीवन। अच्छा अभी शी डिड नॉट नो, इसमें आप कंजक्शन बताए क्या है, चैट बॉक्स में राइट करते जाएंगे, शी डिड नॉट नो इफ शी शुड स्टे और गो। देखो आपका ये भी कंजक्शन है, राइट करते जाएंगे सेंटेंस में सभी, और दोनों तरफ आपकी क्या है, वर्ब है, क्या है, देखो नो इफ शी शुड स्टे, और देखो ये भी आपका कंजक्शन है, स्टे और गो, तो क्या है, दोनों तरफ आपकी वर्ब है, क्या है, दोनों तराजू में क्या है आपकी, वर्ब है। चलो भाई तराजू में राइट करते हैं, दोनों तरफ क्या है, वर्ब, और बीच में कंजक्शन, ठीक है, यस, हाँ। फिर एडजेक्टिव्स, द पेपर इज स्पाइसी और स्वीट, येट आपका क्या है, कंजक्शन, ठीक है, आपका बीच में क्या आ गया, येट, येट आ गया आपका कंजक्शन, और अभी तराजू में किसकी बारी है, एडजेक्टिव की, किसकी बारी है, एडजेक्टिव की। चलो सबका वेट करते हैं किसमें ज़्यादा है, ठीक है, राइट करते जाएंगे सभी। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, अब इसमें क्या बोला है कि इसके दोनों तरफ आप फाइंड आउट करो कि कंजक्शन कहाँ पर है, और यू कैन गेट देयर बाय एयर बाय सी। अब देखो बाय क्या है आपकी, प्रीपोजिशन, बाय क्या है आपकी, प्रीपोजिशन, ये राइट करते जाएंगे, प्रीपोजिशनल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जैसे कि मैं डेली आपको ये सेंटेंस में फाइंड आउट भी करवाती हूँ कि बताओ वर्ब क्या है, नाउन क्या है। ठीक है, रीडिंग बुक्स, देखो फ्रेज क्या होता है, राइट करें सभी, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, एक यूनिट होती है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, क्या नहीं होता, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। रीडिंग बुक्स, प्लेइंग गिटार, और ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये भी होते हैं, जो आपको बाद में डिटेल में करवाएंगे,
ठीक है, और कंजक्शन राइट करेंगे एंड, जो बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एचटेट में फुल ग्रामर आने वाली है और जब तक बच्चों का ग्रामर क्लियर नहीं होगा तब तक एचटेट क्लियर नहीं होगा। क्लॉजेस, माय सिस्टर लाइक्स द विंटर, और एचटेट वालों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी तुरंत वैकेंसी निकल रही है तो वो अपना एचटेट क्लियर कर लें। देखो, माय सिस्टर लाइक्स द विंटर, आई प्रेफर द समर। अच्छा, मुझे एक बार ये बता दें, ये क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज है या डिपेंडेंट, साथ में बताएं मुझे, दोनों तरफ क्या है इसके, क्लोज है, और क्लोज है तो कौन सी क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट? यस, ये नाउन फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स का जो ग्रुप बना होता है वो फ्रेज बन जाती है। रीडिंग बुक्स, लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं है, ठीक है। हाँ, सभी राइट कर दें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देखो माय सिस्टर लाइक्स द विंटर, ये बिल्कुल कंप्लीट सेंस दे रहा है, समझ में आ रहा है कि मेरी बहन क्या पसंद करती है, विंटर, तो कंप्लीट है। इनकम्प्लीट नहीं है तो इसलिए ये हो जाएगी आपकी इंडिपेंडेंट, क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट, इसको किसी पर डिपेंड नहीं रहना, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। हाँ, टीजीटी की निकल रही है अभी, हाना आद्विक, टीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी हैं, पीजीटी की भी नहीं है, टीजीटी की है। और जो फाइन आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके तो बल्ले बल्ले हो गई है, उनकी तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है, जो हम समझते हैं कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसा है लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है फाइन आर्ट्स के जो बच्चे हैं। आई प्रेफर द समर, अब ये भी देखो, आई प्रेफर, मैं प्रेफर करती हूँ किसको, समर को, इनको क्या पसंद है, समर, तो कंप्लीट है सेंस, तो इसलिए हो गया आपका इंडिपेंडेंट। और देखो एचटेट में तो ग्रामर बहुत डीपली आती है, अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा आप टेट नेट क्लियर कर दोगे, लेकिन एचटेट क्लियर होना मुश्किल हो जाता है, और वो भी क्यों, सिर्फ बिकॉज ऑफ ग्रामर। अगर आप इंग्लिश ग्रामर अच्छी कर लेते हो तो आपके एक दो नंबर से एचटेट नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, अच्छा एक बार मुझे कन्फर्म कर दें, मेक मी कन्फर्म, Have you learnt? Did you got me? Dependent, independent, independent. My sister likes the winter. Independent. Not dependent, ये है independent. Dependent तो वो होता है जो एक दूसरे पर depend रहना पड़ता है, complete sense ना दे, ठीक है। डिड यू गेट मी, एक बार थम कर दें सब, अगर समझ आ गया है तो फिर हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन की टाइप करते हैं। देखो मैंने आप लोगों को बताया है कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने होते हैं, 7, कैसे याद रखोगे, फैन बॉय से। अब देखो इसमें कौन कौन से कंजक्शन आए, आ गए ना आपको, देखो ए से एंड आ गया, ओ से और आ गया, यट आ गया ना, तो ये कौन से टाइप हैं आपके, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की टाइप्स हैं।
आज थोड़ा सा आप लोगों को डेफिनेशन और टाइप्स क्लियर करनी है, फिर धीरे धीरे आप लोगों को डिफरेंस क्लियर करने हैं ताकि किसी में भी आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कंजक्शन की डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, आप पिक्चर से समझ सकते हो जैसा मैंने समझाया है। अगर आपको रटने की आदत नहीं है तो आप समझने से ज़्यादा अच्छा सीख पाओगे। ओके, विहाना आद्विक हैचटेट की भी तैयारी कर रहे हो आप, वेरी गुड। अच्छा अभी देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर फोर टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन में, कितनी टाइप्स होती हैं? फोर टाइप्स। कितनी? फोर टाइप्स। कम्युलेटिव, कम्युलेटिव को आप क्या बोल सकते हो? कपलेटिव। कपलेटिव क्या होते हैं? जिसमें कपल होते हैं, कपलेटिव कपल होते हैं जिसमें, आपको ये क्लियर करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, कम्युलेटिव और कपलेटिव, आप कम्युलेटिव को कपलेटिव बोल सकते हो। ठीक है, फिर है आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन, डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन, चलो फिर हम करते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन या कपलेटिव कंजक्शन। ठीक है, कपलेटिव मैंने अभी समझाया, कपल होता है जिसमें पेयर होते हैं। क्या होते हैं? कपल, पेयर। कपलेटिव याद रखोगे। कम्युलेटिव कंजक्शन मर्ली एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर। एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। कौन कौन जोड़ता है? एंड। मोस्टली हमें इनके पेयर लर्न करने हैं। क्या लर्न करने हैं? पेयर। अगर आपका सेंटेंस में पहले बोथ आया हुआ है तो बोथ के साथ क्या आएगा? एंड। यस, पेयर, कपलेटिव या कम्युलेटिव। अगर आपके ऑप्शन में कम्युलेटिव कंजक्शन आ गया तो कम्युलेटिव से समझ लेना कि ये कपल की बात कर रहे हैं, पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोथ एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सभी पेयर्स वाले कंजक्शन लर्न कर लेंगे। आज आपका होमवर्क है, सभी पेयर्स वाले कंजक्शन राइट करेंगे। और जैसे मंजीत जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में राइट किए थे, ऐसे आप लोग राइट कर सकते हो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो हम वर्क देते हैं आप लोग करते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। देखो ना, आपका कोई नोटबुक का पेज खराब हो रहा है, ना कोई इंक खराब हो रही है, आपका कोई पेन खत्म नहीं हो रहा, और आपको लिखने के लिए फ्रीडम मिल रही है कि चलो लिखो भाई। ये सभी पेयर्स कम्युलेटिव कंजक्शन में क्या आते हैं? पेयर्स। सभी पेयर आप कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। ओके, एलाइस कुक्ड द डिनर एंड पीटर टाइटेड द हाउस। टाइटेड किया हाउस को। ठीक है, शी इज बोथ, बोथ है क्लेवर एंड ब्यूटिफुल। बोथ के साथ क्या आया आपका? एंड। ओके सोनाली जी, देखो एंड भी हमारा कम्युलेटिव में आता है। एंड क्या है? कम्युलेटिव कंजक्शन। ठीक है, एंड अगर आपका मान लो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना आ जाता है, आपको इधर बोथ मिल गया तो बोथ के साथ क्या पेयर है? एंड। बोथ एंड ये लर्न करेंगे और ये जरूर आते हैं एग्जाम में।
एज वेल एज, देखो जैसे मैंने आपको बताया था वन वर्ड कंजंक्शन भी हो सकता है, टू वर्ड भी हो सकता है और थ्री वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंस देके भी हो सकते हैं, जैसे नो सूनर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर्स आपको याद करने होंगे। अगर आपका इधर बट ऑल्सो है और इधर आपको डैश दिया गया है तो आप क्या फिल कर देंगे, नॉट ओनली। इज इट क्लियर? डेली क्लास ज्वाइन करें, उससे क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कुछ काम होने के कारण, बिजी होने के कारण हम लोग क्लास नहीं करते, लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें बहुत लॉस होता है। आप क्लास डेली ज्वाइन करें। डेली क्या है, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सीखेंगे ना, उससे आपको ये भी नहीं लगेगा कि हमने एक साथ इतना सीखा है, बर्डन भी नहीं होगा और आप लोग सीख भी जाओगे, ठीक है। आज सभी पेयर लर्न करेंगे। ये कम्युलेटिव कंजक्शन है। कम्युलेटिव क्या है, जिसमें हम एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट को जोड़ते हैं किसे, पेयर से, ठीक है। एक अगर आपका बोथ है तो उसके साथ उसी का वर्ड यूज करेंगे। ये नहीं कि एक साइड आपने बोथ यूज कर लिया और दूसरी साइड एज वेल एज कर लिया, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप है आपकी एन एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या करता है, एक्सप्रेसेस अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट। जो अपोजिट चीजें होती हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में है बिटवीन टू स्टेटमेंट। अब देखो हम बट कब यूज करते हैं, जब उससे पहले वाली चीज सेकंड से अपोजिट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लो अपोजिट क्या होता है, ही इज पुअर। मान लो ये दो सेंटेंस हमें जोड़ने हैं, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। कंजक्शन का क्या यूज है कि हम अलग अलग से सेंटेंस ना लिखें, इससे अच्छा है कि हम एक सेंटेंस बना दें, ठीक है। ही इज पुअर, ही इज पुअर, इसके अपोजिट क्या हो गया, बट, बट लेकिन, वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। बट ही इज पुअर, बट ही इज ऑनेस्ट। क्योंकि मोस्टली क्या सोचते हैं, अगर कोई गरीब है तो वो चोरी करेगा या पैसे लेने के लिए धोखा करेगा, कुछ करेगा, वो गरीब है बट क्या क्या है, बट ऑनेस्ट है। तो ये इसके क्या हो गया, अपोजिट हो गया, क्या हो गया इसका, कॉन्ट्रास्ट में हो गया, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट में जब हम कंजक्शन का यूज करते हैं तो किस किस का यूज करेंगे, वो हम लर्न करेंगे। कॉन्ट्रास्ट में हम लर्न करेंगे बट, स्टिल, यट, Whereas, while, nevertheless, etc. Because,
बिकॉज किसके लिए यूज होता है? रीजन बताने के लिए। ऐसे आप लोग लर्न करेंगे। देखो जहां पर कॉन्ट्रास्ट है, अपोजिशन है, विरोधी अवस्था है, विरोधी बोलते हैं ना, एक दूसरे का विरोधी जहां पर है, तो हम वहां पर ये वर्ड लर्न करेंगे। जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ एक दूसरे का विरोध हो रहा है, तो हम ये वर्ड यूज करेंगे। कौन कौन से? बट, स्टिल, यट, वेयर इज, वाइल, नेवर्थलेस। ठीक है, देखो, द रोप वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग। रोप क्या है? थिन। रोप क्या है? रोप वॉज थिन। रस्सी पतली थी लेकिन क्या थी? स्ट्रोंग थी। जब अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? बट। क्या हो जाएगा? बट। ओके, थैंक यू एवरीवन। ही इज रिच। रिच है, अमीर है। ही इज अनहैप्पी। अब हम क्या सोचते हैं कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो तो बहुत हैप्पी होंगे। अब देखो उसमें क्या पोजीशन हो गई, वो अमीर है स्टिल, फिर भी क्या है? अनहैप्पी है, फिर भी दुखी है, खुशी नहीं है। ठीक है, क्या है वो? अमीर है, धनी है, पैसे वाला है, स्टिल फिर भी अनहैप्पी है, फिर भी क्या है? अनहैप्पी। ओके, हमारे कंजक्शन वर्ड्स उठाएंगे यहां पर क्या क्या है? स्टिल, बट, नेवर्थलेस। ठीक है, ये सभी राइट करेंगे और लर्न करेंगे, और सभी आज मेरे को कमेंट बॉक्स में ये वर्क राइट करेंगे कि मैम हमने पेयर वर्ड ये लर्न कर लिए हैं, राइट कर लिए हैं। ठीक है, सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें। जो जो क्लास देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही, तो डिसलाइक भी कर सकते हो और सजेशन भी दे सकते हो, लेकिन मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रही हूँ कि समझ में आ जाए आप लोगों को। वैसे आपको समझ ही आएगा, आई एम 100% श्योर। नेक्स्ट है आपका इलेटिव कंजक्शन। क्या है इलेटिव कंजक्शन? इलेटिव कंजक्शन विच एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस आर कॉल्ड इलेटिव कंजक्शन। ठीक है, जो एग्जांपल है आपके फॉर, सो। एक बार सभी क्लास को लाइक कर दें। आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कैसा लगा, समझ में आया? साथ के साथ फीडबैक देते जाएं। ओके, थैंक यू सोनाली। एक बार क्लास की फीडबैक दें, क्लास कैसी लगी?
ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो अब करते हैं हम इलेटिव कंजक्शन। कंजक्शंस विच एक्सप्रेस एंड इन्फ्रेंस आर कॉल्ड इलेटिव कंजक्शन। एग्जाम्पल आर, क्या एग्जाम्पल्स हैं? फॉर सो, समथिंग फेल, फॉर आई हर्ड अ थर्ड, ही वर्क्स हार्ड सो ही विल विन। जो हम पहले प्रीमाइस लगा लेते हैं, सोच लेते हैं कि अगर वो मेहनत करेगा तो क्या होगा? पास होगा। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा? फेल होगा। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? फॉर सो। ठीक है, समझ में आया? समथिंग फेल फॉर आई हर्ड अ थर्ड, सो दे मस्ट हैव गोन आउट फॉर नोबडी आंसर द फोन। उन्हें क्या हो गया? दे मस्ट हैव गोन आउट, बाहर जाना पड़ गया। क्यों क्यों जाना पड़ गया भाई बाहर? क्योंकि उसने फोन का आंसर नहीं दिया, और जब फोन का आंसर नहीं मिला तो क्या हो गया? वो बेचैन हो गए, उन्होंने सोचा बाहर जाके पूछते हैं, इसलिए वो बाहर गया। ठीक है, देखो जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, डेली क्लास ज्वाइन करें और शुरू से लेके लास्ट तक क्लास में बने रहें, क्योंकि लास्ट में आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ इडियम्स, कुछ इडियम्स लेके आई हूँ। जैसे हम डेली 5 वर्ड मीनिंग लेके आते थे। नेक्स्ट टाइप है हमारी अल्टरनेटिव कंजक्शन। ये सभी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की टाइप्स चल रही हैं। आज हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन कंप्लीट कर लेंगे। कंजक्शन विच प्रेजेंट्स टू अल्टरनेटिव सम टाइम इंडिकेटिंग अ चॉइस बिटवीन देम इज कॉल्ड अ डिसजंक्शन भी बोल सकते हो, डिसजंक्टिव भी बोल सकते हो, अल्टरनेटिव भी बोल सकते हो। ओके, अगर आपके ऑप्शन में आ जाए कि डिसजंक्टिव कंजक्शन कौन सा है, तो आप सोचोगे हमने तो ये सुना ही नहीं है, तो ये नेम भी आप याद रख लें। हम इसको क्या बोल सकते हैं? डिसजंक्टिव भी और अल्टरनेटिव भी। ठीक है, कंजक्शन एग्जाम्पल्स और, आइदर, नोर, नाइदर। ठीक है, और इधर नोर निधर, ये पेयर्स हैं, हमें ये भी लर्न करने हैं। ये किस में आते हैं? अल्टरनेटिव में, डिसजंक्टिव में। ये समझ लो, अगर इनमें से एक मिस कर दिया आप लोगों ने तो क्या हो जाएगा? जंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इनको इकट्ठा रखना है, इधर और, निधर, नोर। ठीक है, नोर अदरवाइज। यू कैन हैव कॉफी और टी। अगर आप बोलो कि मैम इनके हिंदी के वर्ड भी ले आओ, तो कल आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देंगे, और या इस टाइप से के लिए। ठीक है, यू मस्ट इधर ओबे माई इंस्ट्रक्शन और क्विट। या तो हो गया ना, यहाँ पर क्या हो गया? यू मस्ट इधर ओबे, या तो तुम मेरा ओबे या मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो क्या करो? क्विट कर दो। आई विल नीदर ओबे योर इंस्ट्रक्शन नॉर क्विट, ना ही जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उसका पालन करूंगा और ना ही क्विट करूंगा। नीदर नॉर, देखो पेयर इकट्ठे आ रहे हैं, इधर और, नीदर नॉर। सी डिडंट, डिडंट आ गया है आपका, इसलिए ये भी नेगेटिव थिंग है, ये भी नो का काम कर रही है, नोर का काम कर रही है। सी डिडेंट सिंग, नीदर डिड सी डांस। ठीक है, यू मस्ट पे द फाइन अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड।
ये सभी वर्ड्स आप लर्न करें। किस में आते हैं ये? अल्टरनेटिव में, अल्टरनेटिव या डिसजंक्शन, ये सभी पेयर लर्न करें, नहीं तो जंग हो जाएगी, डिसजंक्शन। ठीक है, अगर आपने मिस करे डिस करे तो क्या हो जाएगी? जंग हो जाएगी। अल्टरनेटिव, क्लियर? कुछ एग्जांपल लेके आए हैं, देखो। एलेक्स स्टूड फर्स्ट गोट अ प्राइज। एलेक्स स्टूड फर्स्ट, फर्स्ट आया तो क्या हुआ? फर्स्ट है तो इसलिए उसको प्राइज मिला है। फर्स्ट गोट अ प्राइज एंड एंड इन योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रोबिन एंड रसल। अब देखो इसमें आप ये बताओ मुझे कि आप राइट करेंगे ये कमेंट बॉक्स में, ये नाउन है या फ्रेज है, क्या है इसके दाएं बाएं? ठीक है, ये आप राइट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ये आपका वर्क है। आप मुझे ये बताएंगे ये क्या है। स्टूड फर्स्ट गोट अ प्राइज, ये इसके दाएं बाएं क्या है? जैसे हमने तराजू में राइट किया था ना, क्या है? रोबिन रसल, क्या है ये? ठीक है, स्लीप नाउ यू विल मिस द क्लास टुमारो। रोबिन डिड नॉट ट्राई हार्ड सो ही डिड नॉट सक्सीड, ही डिडेंट ट्राई हार्ड सो ही डिडेंट सक्सीड। अब देखो ये कंप्लीट है, ये क्या है आप लोग राइट करोगे, मैंने आप लोगों को बताया था, फ्रेज है, क्लोज है, वर्ड है, नाउन है। ठीक है, ही इज सैड बट नॉट ब्रोकन, क्या है सैड? सैड क्या है, ब्रोकन क्या है? ये सभी राइट करेंगे। ठीक है, रीटा एज वेल एज सोहन, रीटा क्या है, सोहन क्या है? हाँ, ऐसे राइट करेंगे दोनों तरफ, जैसे मान लो ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, फ्रेज है, फ्रेज है, इस टाइप से राइट करेंगे। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव है। ओके, इसमें क्या है कि आपको सेंटेंस में सभी चीज़ें फाइंड आउट करनी आ जाएंगी, अगर नहीं आए तो आप सर्च करके देखना कि ये टेंस में क्या है। ठीक है, क्लियर? क्लास ज़्यादा ही लंबी हो गई शायद, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। आपके सभी टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के, आज आप लोग कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन डिटेल में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये कल करवाएंगे हम लोग, कहाँ पर हमें कोमा यूज करना है, कहाँ पर कोमा यूज नहीं करना है, डिपेंडेंट क्लोज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है, ये सब कल लेके आएंगे हम, डिटेल में समझाएंगे। एक बार फीडबैक दे दें आप लोग, ये idioms कर लें। यस, बिल्कुल राइट, ये idioms का स्क्रीनशॉट ले लें। अ थ्रोन इन द फ्लैश, किसी काम में हमेशा होने वाली बाधा। अ थ्रोन इन द फ्लैश, क्या कर दिया? थ्रोन इन द फ्लैश, कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ annoyance। एन एसिड टेस्ट, गंभीर परीक्षण, क्रिटिकल टेस्ट। एन आयरन विल, आयरन लोहे वाली विल है तो दृढ़ इच्छा, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। ठीक है, एन ओल्ड हेड, ओल्ड बड़ा हेड है, कहाँ पर है भाई? यंग शोल्डर, यंग क्या है? छोटे, यंगर बोलते हैं ना, यंगर, छोटी उम्र में क्या है? बड़ा हेड है, तो क्या समझ में आया? अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार।
बीट अबाउट द बुश, ये तो कई बार आता है भाई, घुमा फिरा कर बातें करना, बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करते रहना। ठीक है, सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें। देखो आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस मिल रही हैं, तो इसका लाभ उठाइएगा, फ़ायदा उठाइएगा, और हमें भी कमेंट करें ताकि आपके लिए और अच्छी क्लास लेके आए। ठीक है, आज आप लोगों ने एडजेक्टिव की कंजक्शन की डेफिनेशन की है, टाइप्स किए हैं, और टाइप्स में आज हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की टाइप्स की हैं 4। किसकी टाइप की हमने आज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, फिर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करेंगे, फिर हम कोरिलेटिव कंजक्शन करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे कि क्या फिल करना है। और उसके बाद हम सभी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे साथ ही साथ, फिर आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, तो इसलिए क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। और कमेंट बॉक्स में राइट करें आपको जो मैंने होमवर्क दिया है।